दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ। चेंजेस मतलब यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। वो क्या है चेंजेस वो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो आप ही के भले के लिए कर रहा हूँ। हमने अपनी टीम से बैठ के इसमें पूरी एक मीटिंग की और हमने पूरा जो एक डिसीजन लिया वो यही लिया कि हमें आप लोगों के भले के लिए ये काम करना होगा। जो अभी बताऊंगा वो क्या काम है बताऊंगा मैं, तो आप लोगों की जो सुविधा हो सके, आप लोगों का जो भला हो सके, आप लोगों के लिए ही यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि मैं हमेशा फेक लोन ऐप को लेके वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपने लोन लिया है चाहे बैंक से, NBFC से, ऑनलाइन ऐप से, आप परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो आपको पता होगा अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं पिछले 6 महीने तो कंटिन्यू लगातार आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मैंने की भी है। मैंने इतने सारे वीडियोस बना के दिए हैं, अगर यार आपने वो वीडियोस देख लिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे या किसी और से कुछ भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लोगों को जो है कुछ दिक्कतें, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो वो उसके लिए हमने यहाँ पे हेल्पलाइन रखी हुई है, वो हमेशा जारी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ऐसे चेंजेस क्या है, इसमें आपका भला क्या है। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसमें बहुत से लोग हमें गालियाँ भी देंगे और बहुत से लोग भला भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, दोनों ही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो बना के मैं पहले अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको बुरा लग रहा है तो भैया वो हमारा ये वीडियो ना देखे, हमारे चैनल को छोड़ के जा सकता है, अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है। आप पैसा लेके फंसता आ रहे क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपने खटाखट लोन ऐप से लोन ले लिया और बाद में पता चला कि वो फर्जी है और आप परेशान हो रहे हो अब, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे उसको लेके पूरी हेल्प की है, जो लोग परेशान है मैंने उसको लेके पूरी हेल्प की है। अब यहाँ पे मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ वो जान लीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं अब उन लोन ऐप्स का रिव्यू करूंगा, यानी उन लोन ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप लोन ले सकते हैं, जो कि NBFC रजिस्टर्ड है, RBI द्वारा अप्रूव्ड है। मैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ये बढ़िया ऐप है, यहाँ से आप लोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है, हम एक ही चीज़ पर काम करते रहेंगे कब तक करते रहेंगे। ये फेक लोन ऐप का अंत जो है एक ना एक तो होना है, अभी तो नहीं होना है मुझे मालूम है, अभी जल्दी नहीं होगा, तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे और आपको जो टॉप लोन ऐप्स होती हैं उसका भी रिव्यू देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो ही आप लोन लीजिए, मैं अब भी कह रहा हूँ, तो उससे लीजिए जो रजिस्टर्ड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप रजिस्टर्ड ऐप से लेंगे, अरे यार तो दिमागी टेंशन तो नहीं रहेगी ना, अरे यार ये हमको गाली देगा या परेशान करेगा या ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं आएगा। अब देखिए क्या होता है, आप लोग बिना जानकारी के खटाखट लोन ऐप से लोन ले लेते हैं जो कि फर्जी निकलती बाद में, क्योंकि आप लोग जानकारी नहीं करते हो। तो यहाँ पे हम जानकारी देते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके भी अवेयर करेंगे कि भैया अगर आपको लोन लेना ही है तो आप इस लोन ऐप से लीजिए, ये बेस्ट ऐप है, इससे लीजिए, सिविल स्कोर अगर डाउन है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों को हमें बताएंगे। और जो फर्जी लोन ऐप्स है उनकी तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ही लोगों की हेल्प के लिए सारे काम हो रहे हैं। देखिए अब एक बात और बता दूं, आपसे आप में से बहुत से लोग कहेंगे यार बहुत सी फर्जी कंपनियां तो है ही हैं और रजिस्टर्ड कंपनियां भी सारा जो है लोगों को परेशान कर रही हैं। इस पे भी मैंने खुद वीडियो बनाया है, मैं खुद कह रहा हूँ यार मैंने खुद वीडियो बनाया है कि जो इस समय रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो NBFC कंपनियां हैं, वो इस समय मार्केट में लोगों को परेशान कर रही हैं। अब वो कंपनियां भी परेशान कर रही हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो भैया देखो एक बात बताओ, मैं आपको आज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए उधार दिए और आपसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उठ के बैठ के खाना पीना सब कुछ रहता है आपके साथ, मतलब उठना बैठना रहता है, ठीक है, ऐसे समझो आप। 2 लाख रुपए दिए आपने 1 महीने के लिए मुझे दिए, ठीक है, 1 महीने बाद मैं नहीं दे पाया, मैंने आपसे 15 दिन का टाइम और मांगा आपने दे दिया, मैंने आपसे 1 महीने का मांगा आपने भी दे दिया, 2 महीने का मांगा आपने दे दिया, आपने करते करते 6 महीने तक ऐसे निकल गए। भाई एक समय ऐसा आएगा कि जब आप मेरे ऊपर टूट पड़ोगे कि भैया संबंध मोहम्मद सब भाड़ में गए यार, आप पैसे लेकर वाले बैठकर कब दोगे। आप संबंध में यारी दोस्ती में मुझे 1 महीने का जो पैसा दिया है उसके 2 महीने छोड़ दोगे, 3 महीने छोड़ दोगे, जिंदगी भर के लिए थोड़ा छोड़ दोगे, समझ रहे हो। तो यही लोन ऐप का हिसाब है, वो भी अपना पैसा नहीं छोड़ती है।
तो जब आप नहीं छोड़ोगे तो आप मेरे घर पे आओगे, गाली गलौज करोगे, मेरे चिल्लाओगे, मुझे फ़ोन करोगे, मेरी बिजली भी करोगे, सब काम करोगे, क्योंकि आप मुझसे पैसा निकलवाओगे और काम करोगे। और यकीन ना हो ना तो एक काम करना, किसी को अपने यार दोस्त को 1,00,000-2,00,000 रुपये दे के देख लेना, और जब वो वापस नहीं करेगा तो आपके दिमाग में आएगा भैया यार मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़े, चाहे केस करना पड़े, या मारा थोड़ी करनी पड़े, या गाली गलौज या बदतमीजी भी तक क्यों ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो फर्जी कंपनियां हैं उनके लिए तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और इसलिए सारा काम कर रहे हैं। और जो NBFC कंपनी है उनको भी हम यहाँ पे चेतावनी जो है देते रहते हैं, और उनके बारे में मैंने बोला हुआ है, अगर वो एक लेवल से ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो उसकी भी आप शिकायत करें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपने किसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया है और आप समय से पे नहीं कर रहे हो, यार मान लो यार 2-4 दिन लेट हो गए, तो वो भी आपको नॉर्मल कॉल करेंगे, अब बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो यार वो तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, इसका तो कोई रोक है नहीं। बैंक भी आपको परेशान करती है, ऐसा नहीं है कि ये NBFC कंपनियां या लोन ऑनलाइन जो ऐप है वही परेशान करती है, बैंक भी करती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अगर आप समय से नहीं दे पाओगे ना, तुरंत घर पर नोटिस चिपका जाएंगे, अगर आपका सिक्योर लोन है, जो भी आपने चीज़ बंधक आपकी बंधक बनी हुई है, रखी हुई है गिरवी, बैंक उठा ले जाएगी गिरवी जो है सब नीलाम कर देगी, और आपका आपका अंशी को यानी पर्सनल लोन है ना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ डंडा चढ़ा के रिक्वेशन भेज के धमका के कुछ ना कुछ करके आपसे वो भी निकलवा लेगी। छोड़ता कोई नहीं अपना पैसा भाई, मैं समझाना ये चाहता हूँ, मैं वीडियो से बना रहा हूँ, कल को बहुत सब निकल के आएंगे, यार अभी तक तो तू जो है लोन ऐप की फाड़ रहा था, लोन ऐप की के विरोध में करता था बात, अब तो है अब तू प्रमोशन करने लगा, कितने पैसे मिलने लगे, मुझे मालूम है लोग यही कहेंगे, इसलिए मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि भाई हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है जिन लोगों को लोन लेना है। देखियो आप कुछ भी कर लो, लोन कंपनी आप कभी बंद नहीं करा पाओगे, रजिस्टर्ड कंपनी तो कभी नहीं करा पाओगे, फर्जी तो बंद हो जाएंगी एक टाइम के लिए, ठीक है। लोन कंपनियां नई नई बहुत सी मार्केट में आ रही लोन देने के लिए जो रजिस्टर्ड हैं और पुरानी भी चल रही हैं, तो यार हम क्यों ना अपनी पब्लिक को ये अवेयर करें कि भैया आप यहां से लोन लो ये ज़्यादा बेहतर है, या इससे लो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं अब भी कहूँगा अगर आपको लोन लेना है तो सोच समझ के लो, पूरी जानकारी कर लो उस ऐप के बारे में, तभी लो, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने रिस्क पे लेना, कभी भी लेना, चाहे कितने रजिस्टर्ड ऐप हो, मैं खुद कह रहा हूँ बात के लिए, लेकिन यह है कि हम फिर भी आप लोगों को बताएंगे कि भाई एक काम करो, ट्रू बैलेंस से नहीं आप इससे ले लो, क्रेडिट बी से नहीं ट्रू बैलेंस से ले लो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम आपको पूरा सजेस्ट करेंगे, हर लोन ऐप के आने पूरा आपको रिव्यू देंगे, कैसी है, बेकार है, अच्छी है, जो भी है, अगर आपका मन हो तो लीजिए, अगर नहीं हो तो मतलब ये इतनी बुद्धि तो आप रखते ही है ना, तो पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे, फिर आपको खुद ही समझदार है कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। तो मुझे यही अपडेट देनी थी, मैं अपने चैनल में ये चेंजेस कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको अब ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जो फर्जी लोन ऐप्स है उसकी भी देखने को मिलेगी, और जो मतलब लोन ऐप्स नई नई है जो अच्छा लोन प्रोवाइड करा रही है कम ब्याज में, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखो हमें भी अपने चैनल पर कुछ बदलाव करने हैं, हम एक ही टॉपिक लेके नहीं चलते रहेंगे। जो फर्जी लोन ऐप से इसका टॉपिक क्या होता है ना, कभी एकदम बहुत हाई होता है, कभी डाउन होता है, तो इसमें हमको ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ना कि फर्जी लोन ऐप इसकी भी जानकारी देंगे और जो टॉप लोन ऐप से उसकी भी जानकारी देंगे, हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, आपको दोनों चीज़ों को हम मैनेज करके चलेंगे, ताकि आपको अगर लोन लेना है तो हमारे वीडियो देख के आपको हेल्प मिले, और नहीं लेना है तो किससे नहीं लेना है वो भी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और जो NBFC रजिस्टर्ड कंपनियाँ होंगी केवल उन्हीं के बारे में बताया जाएगा, फर्जी ऐप एक भी नहीं बताइएगी। अगर धोखे से कभी मुझसे कोई ऐप क्या रिव्यू हो गया, वीडियो बन गई, मुझे कमेंट कर देना, वीडियो तुरंत डिलीट कर दूंगा, भाई हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही अपने मुंह से बात एकदम गाली निकाल दो। बहुत से लोग होते हैं तके बैठे रहते हैं, अरे तू तो व्यूज़ के लिए कर रहा है, अरे तू तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हमने अगर अच्छे काम किए ना तो वो कोई नहीं गिनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यहाँ पे अब आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्द 2-4-6 दिन में आपको उन लोन ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको लोन लेना है, और जो लोन ऐप आपको परेशान कर रही है, जो भी फर्जी लोन ऐप आपको परेशान कर रही है, चाहे भले रजिस्टर्ड होगा वो भी कर रही है ना, तो मैं चेक करूंगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है रजिस्टर्ड होने के बाद भी, उसकी तो हम फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम लोन पे ही काम करेंगे ताकि हम आपको अवेयर करें कि ये बेस्ट लोन ऐप है, आप इससे लोन लीजिए, और जो बेकार है उससे मत लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती इसलिए आप लोन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जानकारी ये रहेगी कि हाँ अगर हमें लोन लेना है तो इस ऐप से लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब इतना ध्यान रखना, मैं फिर भी कहूँगा अगर रजिस्टर्ड ऐप से लोन लो तो समय से पे कर दो, वरना भैया वो आपका बदतमीजी जरूर करेगा, गाली गलौज भी कर सकता है, सब काम कर सकता है, मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर आपने किसी को 2,00,000 रुपए दिए और उसने समय से 6 महीने लेट कर दिया,
एक साल लेट हो गया तो भैया आप घर पे घुस के उसको मार भी सकते हो, थप्पड़ मारोगे, झगड़ा करोगे, हाथापाई तक करोगे, समझे। तो ये ऐसी चीज़ होती है, तो खुद पे इनाम पे रख के देखो, यही कंपनी का हाल है। कंपनी इसलिए रिकवरी एजेंट अपने बनाती है कि कंपनी तो घर घर जाने सकती है, तो रिकवरी इनको तैनात करती है कि आप अपने हिसाब से लोन रिकवर करके दो, भैया पैसा दिया है तो पैसे वाली बात होती है। तो ऐसे रख के देखो, अगर समय से आप पे कर दोगे ना तो ये NBFC कंपनी आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, फर्जी कंपनियों क्या है, पेमेंट करो या ना करो वो आपको परेशान करती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो आपको मैंने अपडेट दी है अपने चैनल से संबंधित जो मैं चेंजेस करने वाला हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा ये जान के कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अब बाकी जो लोग गाली पकेंगे उनके लिए तो मुझे कोई मतलब नहीं है, आराम से गाली दो, चैनल छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगा कि उन लोगों के लिए जो मतलब जो लोग चाहते हैं सच में, मतलब कि उन्हें पैसा चाहिए और अच्छी जगह चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एजुकेशन में लोन ले सकें या कुछ कर सकें, और ऐसे लोगों को आवश्यकता है। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ चेंजेस, ये भी सुन लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं कि सर आप हमेशा लोन आपकी फाड़ते रहते हो, आप कभी ये नहीं कहते अगर हम पैसे जो पड़े तो हम कहाँ जाएँ, दोस्त नहीं दे रहा तो हम कहाँ जाएँ, फर्जी लोन आप फर्जीवाड़ा कर रही है। तो कोई तो ऐसी ऐप होगी ना जो रजिस्टर्ड हो जो हमें लोन दे सकती है। तो इसलिए मैं अभी वीडियोज बना रहा हूँ, अब मैं इस पर भी काम करूंगा। आप बस समझ लो यही अपडेट मुझे देनी थी, आपको समझ में आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरी जो अपडेट है कैसी लगी, जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। अगर और भी कुछ चेंजेस आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आपकी ऐसी सेवा करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने वही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।